الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان <applause> <applause> تقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا بها

hello yeah يوم ينظر المرء ما قدمت قد يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم वसलाम वाला रसोल्ला आपका मेज़बान खावर अजीन कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है और नहायत अदब से सलाम पेश करता है इस यकीन के साथ कि आप खैरिय होंगे और रमजान मुबारक की बरकतों से अपने सहने दिल को रबत आला की करमदबाजियों से रहमतों से बख्शों से मुजी होता हुआ पा रहे हैं और इस दुआ के साथ के अल्लाम इस माह मतबरक की बरकत से तमाम आलमी इस्लाम पर करम फरमाए और हमारी माह रमज़ान की की हुई इबादत को कबूल करते हुए इसे हमारे लिए कलीद निजात बनाए मोजिज़ नाज़रीन हर रोज़ ये खूबसूरतान के साथ मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और जिस जिसवान पर आज हम गुफगू करने जा रहे हैं ये यहनवान अपने दामन में इतनी दानाई और बरकतें रखता है कि फी जमाना अगर ये हम अपने नफोज पर इसे नाफज कर लें तो हमारा ये मुशर एक ऐसा अमली माशरा और एक ऐसा खूबसूरत मुआरा बनकर जो है वो अवाम आलम के सामने आ सकता है कि जो हमारे असलाफ से मुतल है और एक फ़लाही रियासत जो मदीना शरीफ में क़ायम हुई थी उसका खूबसूरत एक बार फिर इजहार हो सकता है और मुसलमान अपनी पसमानदगी से और तंजली से निकल कर वह बामी अरूज हासिल कर सकते हैं जो नबी रदली वसम के दौर में अहल मदी को और अहिल इस्लाम को हासिल हुआ यानि आज हम जज्बा इशारो कुर्बानी पर गुफ्तु करेंगे उन्नीस रमज़ान मुबारक की याफ्तार ट्रांसमिशन है और ये उन्नीस का अदद मुझे वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि उन्नीस में एक भी है और नौ भी है कि अल्लाह करीम ने कुल आलमीन के और रूज़ को कुरान करीम में रखा है और कुरान के तमाम रमू़म को सूर फातिहा में रखा है और सूर फातिहा के तमाम रमू़़लूम को बिसमिल्लर में रखा है और बसमलर के कुल कुलूफ़ उन्नीस है और यहाँ पर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये बिसमिल्लर के कुल उन्नीस हरूफ़ होना ये बताता है कि कुल कायन की रमोज़ जो हैं वो बसमिल्ला में हैं चूँकि उन्नीस रूप हैं उन्नीस में एक भी है और नौ भी है यानी एक से पहले कुछ नहीं नौ के बाद कुछ नहीं जो कुछ भी है बसमिल्लर रहीम के अंदर है और हजरते अली फ़रमाते हैं यानी कि इस हदीस की तकमील यहाँ पर होती है कि कुल कायन के़लूम और रमो बिसमिल्ला में है और बिसमिल्ल् के रमोलूम बिसमिल्ल् के बा में है और बा केलूम व रमो बा के नुक़ा में है और हज़रतली फ़रमाते हैं वह बा का नुक़त मैं हूँ बब मदीनतम से लेकर आगोशी मदीनात इल्म तक इल्मियत के एक एक जहाँ को तय करने के लिए अगर कहा जाए कि हज़रत अली करमल्ला वजुल करीम की हमदाई रफाकतों कराबत हासिल हो तो अजीज़ा ग्रामी कदर यही वो खूबसूरत संग मील है जो मजल मकाम यानी मकाम महराज तक पहुँचने का जरिए और सबब है बब मदीनातम से जो है वो आगोशी मदीनात तक पहुँचने का ये खूबसूरत जो है वो पहलू है आज हम हज़रात अहल बैत कराम हज़रा साहब कराम के जज्बा इशार व क़ुरबानी पर कलाम करेंगे और इससे कबल हम चाहेंगे कि कुरान मुक़दस और फ़रामी रसूल से जो अहल बैत रसूल और रसूल ने ये जज्बा इशार वुरर्बानी लिया उस पर कलाम करें आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान एक खूबसूरत शख्सियत अपने नाम के अतबार से भी और अपने काम के अतबार से भी मोहम्मद कासिम हैं और जनाबी मोहम्मद कुल कायनात के लिए कासिम हैं और साहिबजादा मोहम्मद कासिम साहब आज हम सब को नूर क़ुरान और फैज हदीस के हवाले से कासिम होने की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हजरत आज के इस प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं शुक्रिया है। जज्बा इसारबानी पर आज हम गुफ्तु करेंगे अव्वला ये बताइए कि इसार के मानी और मफहम क्या है बस्मिल सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इस प्रोग्राम में कुछ लाभ गुशाई करने का मौका मिला और दूसरी बात यह है कि मैं इस हवाला से ये समझता हूँ कि आज मेरा इम्तहान भी है कि आपके सामने गुफ्तु करना जिनसे हम सीखते हैं उनके सामने अपने लफ्ज़ों को दोहराना वो एक सबक सुनाने के ही सरारत है, है यकीन आपके बर्मला जुमले और गुफ्तु वो हम सबको बड़ी तो माजत बख्शती है शुक्रिया जहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक है तो इसार का माना है अपने मफाद पर दूसरे के मफाद को तरजीह देना। अल्लाह बड़ी आसानी में जी। और अगर हम इस कैनवस को मज़ीद वसी करें जी। तो फिर कुर्बानी और दरगुजर दूसरों को माफ़ कर देना जी और किसी दूसरे का एहसास कर लेना है। और अपनी चीज़ें जो हैं वो किसी दूसरे को बख्श देना बेशुमार चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं जहाँ तक लफ् एसार है जी। ये एक बहुत वसी मान रखता है ठीक है। इस हवाला से भी कि नबी करीम सल्ला वसल्लम कुल कायनात के लिए रहमत बन कर तशीफ़ और आका रहमत अलैहि सलातो व सलाम ये पसंद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जो है वो भी इंसानों के लिए रहमत बन जाए बहुत आला तो इसलिए ये जज्बा एसार हर एक मुसलमान के अंदर होना ज़रूरी है हम नफसा नफसी नहीं चाहते बल्कि हम तो हमारा दीन हमें यह बताता है कि नफसा नफसी में भी दूसरे नफ्स का ख्याल रखना ये हमारा दीन कहता है और वो बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है और वो यकीन दीन इस्लाम में ही मिलती है कि जंग का मैदान है और लाशें पड़ी हुई हैं और आए जख्मी आए पड़े हुए हैं और एक तरफ से अला तश की आवाज आती है तो पानी का प्याला पहुँचता है कबल इसके के वो जख्मी पानी पिए उस जख्मी को किसी और जख्मी की आवाज़ आती है अल्लाह अल्लाह कि मुझे पाया है मुझे प्यास लगी है मुझे पानी पिलाओ तो अब वो जख्मी जो खुद उसका ज़रूरतमंद है वो उस नजा के आलम में ये कहता है कि मुझे नहीं उसको पहले पानी पिला दो तो ये अशार है वाह वाह यानी अपनी ज़रूरत को अपनी किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पर बिल्कुल ना देना बल्कि पेश कर देना कुर्बान कर देना ये अशार है अच्छा ये बताइए कि कुरान और हदीस में इस जज्बा कुर्बानी के हवाले से हमें क्या हुक्म मिलता है कुरान मजीद और क़ान हमीद में अल्लाह तबारक व ताली ने इरशाद फरमाया कि खूबी बयान की है मोमिन की कि उनकी खूबी ये है कि वो वो चीज़ दूसरों को दे देते हैं जिसकी उन्हें खुद ज़रूरत होती है वा, वाह 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 आका करीम सलातु वसला शायद का शाह नजूल में मुफ्सरीन कराम ने लिखा कि आका आकातू वसलाम के पास एक दिन एक मेहमान आ गया ठीक है और नबी करीमलात वसला ने वाज मतहर की तरफ़ पैगाम भेजा कि इसको रख लें तो मेहमान की गुंजाइश तो जवाब मिला कि आप बेहतर जानते हैं जो घर के हालात हैं सही तो, तो सलाम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया मदान से तो एक सहबी ने कहा यार ये मेहमान मैं ले जाऊँगा। अच्छा अलमुखसर ये कि वो अपने घर ले गए घर जाकर जौजा से कहा कि मेहमान है तो बीवी ने आगे से कहा कि घर में जो हालात चल रहे हैं वो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं फरमाया कि बच्चों को सला दो हम दस्तर खान बिछाएंगे अच्छा। उसके ऊपर खाना रखेंगे जो सिर्फ़ एक बंदे को किफ़ायत करता है अच्छा। वो रख देंगे और जब खाना रख देंगे मेहमान बैठ जाएगा तो किसी बहाने से उठना और चराग की रोशनी जो है वो गुल कर देना अल्लाह ताकि मेहमान को पता ना चले हम गुफ्तु करते रहेंगे अपना मुंह वैसे ही हिलाते रहेंगे ताकि मेहमान को महसूस हो कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हम नहीं खाएंगे हमारा मेहमान खा लेगा तो यूं मेहमान नवाजी की उन्होंने रात को और अपने मेहमान की बड़ी खिदमत की खुद नहीं खाया खुद अच्छा। भूखे रहे मेहमान को खिला दिया तो रात गुजर गई अब हम ये समझते हैं कि शायद नबी करीम करीमलाम को मालूम नहीं है लेकिन वो अल्लाह ताला उन्हें बाखबर फरमाता है तो जिस वक्त आए तो वही पहले से नाजिल गई थी कि महबूब आज आपके उमती ने आपके फरमान पे कैसा खूबसूरत अमल किया वा, 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 है कि अपनी पसंद की चीज जो है वो दूसरों को खिला दी सुबह अल्लाह अल्लाह ये जज्बा सारो कुर्बानी जो है ये हज़रत साहबा क़राम राम हों या अहिल बैत रसूल हों उनका ये खुद साख्ता अमल नहीं ये नबीय करीम सलील वसम की तालीम और तरबियत का असर है जी बिल्कुल अभी खबर भाई देखें कि हमारी असल चीज़ है अपने असलाफ की रवायात को संभालना वाह 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 वा। सुबह अपने जो हमारी हिस्ट्री है या हमारी तारीखी वरसा है उसको आगे लेकर चलना ठीक और सिबा करदवान तो वो हैं कि जो हम वक्त नबी करीम करीमलातम को देखते और लफ्ज हदीस के ऊपर अगर हम गुफ्तू करें तो लफ्ज हदीस तो पहले भी बोला जाता किसी का भी कहना अच्छा लेकिन जिस वक़्त सहाय कराम का ये जज्बा बेदार हुआ कोई कोई शहर से बाहर गया है जैसे ही उसने वापस आना तो आते ही लोगों से पूछना कि आज हजूर की हदीस बताओ अच्छा अच्छा तो फिर ये लफ्ज मखसूस हो गया उस फरमान के साथ जो नबी करीमलात सलाम की ज़ुबान अतर से निकले साहबजा साहब कैसी खूबसूरत बात है कि ये बोलने से ताल्लुक़ रखता है बिल्कुल हदीस लेकिन कायनात में मेरा ख्याल है बल्कि मेरा यकीन है कि मेरे नबी पाक की ही जात है कि जिनकी खामोशी भी हदीस का दर्जा रखती है सुबहानल्ला सुबहानल्ला बिल्कुल तो ये बताइए कि हज़ुर वसलाम की ज़ात वाले सिफ़ात से हज़रत साहब कर राम और अहिल तहार ने किस अंदाज़ में ये जज्बा सार्बानी हासिल की है काबर भाई बेशुमार ऐसे वाक़ात हमें मिलते हैं मैं के साथ नबी करीमलातुस्म की सीरत मुबारक से एक वाक़ मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि नबी करीमलातुलाम एक मरतबा अपने दर दौलत से बह तशीफ लाए तो स्याब कराम में से कुछ अफराध वहाँ पर मौजूद थे आपने उनसे फरमाया कि फ़लाँ बंदे से मिलना है तो और चलें वो आपके हमराह हो गए अब गुज़र बाज़ार से होना था अच्छा बाज़ार में एक दुकान थी उस दुकान पर एक कमीज़ था जो इस्लाम को पसंद आ गया अच्छा हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो अरबी लिबास है वो सर से लेकर कंधों से लेकर वो पाँव तक होता है अच्छा। और वो एक ही किफ़ायत कर लेता है पूरे का पूरा क़मीज़ तो इस्लाम तो को पसंद आ गया आपने पूछा ये कितने का दुकानदार ने कहा कि ये चार दरम का है आपने अपनी जेब से अताफ़ फरमाए वह कमीज़ ले लिया स्याबा ने अजगी यारसोल्लाब नया ख़रीद लिया है तुझे जेब तरमा हजूर सालातम ने फरमाया इंतज़ार करो आपने वो तब्दील फरमाया वापस तशरीफ लाए अभी सफर शुरू हुआ है कि एक अच्छा। उन्होंने सलाम किया रस्ते में ने कमीज देखते ही कहा रसूल हजूर ये तो बहुत प्यारा है अच्छा तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये कमीज़ मुझे मिल जाए नबी करीमलात ने इशाद फरमाया कि क्यूँ नहीं रुको अभी देते हैं अच्छा फिर वापस तशरीफ ले गए नया उतारा पुराना दोबारा पहना नया लाकर अपने सुमति को दे दिया Allah अब सिहाबी का भी वो क्या हुसन था उनका या वो क्या सादत के लम्हा उन्होंने फौरन वहीं पर वो पहन लिया अच्छा। ये मैं चाहता हूँ इसकी बरकतें मुझे फौरन मिल जाए अच्छा आका करीम वो सलाम। फिर वो सफर शुरू हुआ फिर एक और दुकान पर वहां से गुजर हुआ एक और कमीज पसंद आ गया आपने पूछा कितने कहा उसने कहा रेट वही है चार दिन आपने दूसरी बरतवा खरीद लिया अच्छा सियाबा ने फिर अर्ज किया आपने पहन लिया अल्कसा मुख्तर ये कि उस बाज़ार से बाहर निकले तो एक गली के कोने पर एक खातून बैठी हुई हैं जो मुलाजमा हैं किसी घर की और कनीज़ हैं अच्छा। उस दौर में ग़ुलाम और कनीज फरोख्त होती थी

आटा भी है लेकिन वो फिर भी परेशान है आपने पूछा अब आप क्या हुआ कहने लगी कि मसला ये है कि मुझे तखीर ज्यादा हो गई है अब जाऊंगी तो मेरा मालिक पूछेगा कि कहाँ थी तो मैं क्या करूँ आपने फरमाया कि चलो आओ आज हम तुम्हारे शफी बन कर जाते हैं वाह वाह वा, आज वा, हम तुम्हारी सिफ़ारिश करते वा, हैं वा, वा, उस घर में पहुंचे अब सियाबा कराम की जो हम बात कर रहे थे कि ये वो लोग हैं कि जो हर वा, वक्त हज़ूर के अमल को देखते थे सुबह आका करीम सलातम उस कनीज़ को लेकर घर उसके घर पर पहुंचे तो बाहर से नबी करीम सलात साम ने इशाद फरमाया घर वालों तुम पर सलामती हुई जो अंदाज था सलाम किया अंदर से कोई जवाब नहीं आया अच्छा दूसरी बार कुछ देर इंतजार करने के बाद आपने फिर फरमाया अंदर से कोई जवाब नहीं आया तीसरी मरतबा हजू स्लाम ने फिर फरमाया घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो तो अंदर से सब घर वालों की बयाक वक्त आवाज़ आई कि या अल्लाह आप पर भी अल्लाह ताला की न हो अब सारे के सारा घर के अफराद बाहर नबी पाकलात वसलाम ने मुस्कुरा के पूछा क्या मेरे ग़ुलाम मैंने पहले भी दो बार तो तो किया गुलाम ने हाथ जोड़ कर की, यार मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि आज हुजूर हमें दुआ दे रहे हैं वाँ वाँ। तो ज्यादा दुआएं ले अल्लाह तो इसलिए हमने वो दो सलामों में हमने जवाब दिया लेकिन आहिस्ता से दिया और तीसरी बार आ गए हुजूर कैसे आना हुआ फरमाया हम इसकी सिफारिश लेकर आए हैं इसे कुछ ना कहना इससे यूं पैसे गुम हो गए थे हमने दिए तो आज ये खाना लेकर तुम्हारे पास पहुंची तो उस सहाबी ने आगे से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जिस की सिफारश आप फरमा दें अल्लाह मैं कौन होता हूं कि उससे अपने काम लूं अल्ला आप गवाह गवा हो जाए अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ करता हूँ हज़रत अब्दुल्लाह इबन उमर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि उस मौका पर आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुमने इस पैसे के ख़र्च करने की बरकतें देखी हैं कि मेरे पास दस दिरहम थे अच्छा उन दस दिरहमों से एक नबी को कमीज मिल गया अल्लाह एक सिहाबी को कमीज मिल गया एक घर को खाना मिल गया और एक कनीज को आजादी मिल गई सुबह हजरत ये जज्बा एसार ही है मेरे अपने नाजरीन से कहूंगा कि हम पैसा आता है जमा करना हर किसी का शौक़ होता है हुँ लेकिन हुँ। अगर हम उसको तकसीम करते हैं तो वो वह ज़रबा कर हमें वापस मिले वाह 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 अल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत बात आपने की हज़रत वो एक वाक़ भी सुनने और देखने और पढ़ने को मिलता है कि हालत जो है वो नमाज के करीब है हज़ुर सलाम अकामत फरमाने जा रहे हैं और मुख्त साहबा कराम है और साइल आ जाता है और सवाल करता है और सवाल भी क्या कर दिया कि दोनों पहाड़ों के दरम्या जो बकरियों का रेवड़ है आप मुझे अता फ़रमा दीजिए मेरे कबीला की ज़रूरत है हज़ुर तो ने वो अता कर दिया हज़ूर की इस सखा इस, इसार, इस कुर्बानी पर वो पूरा जो है वो कबीला वो इस्लाम कबूल कर लेता है हज़र सलाम का ये अंदाज़ इशार व किस अंदाज़ में दिलों की दुनिया बदलता है और आपसे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे नाजरन को ये बताएँ कि असहाबी रसूल की तो तरबियत इस अंदाज़ में हजूर ने फरमाई जो इशार वर्बानी का पैकर बने आहले बैत रसूल अल्लाह फिर करीम भी करीम की सहाावत का जिक्र किस की नज़र से नहीं इस हवाला से बताइए अहले बैत रसूल की इशारो कुरबानी जो है वो कैसी थी। सुभान कावर भाई आपने तो क्या कहते हैं दिल की बात की है अल्लाह अहले बैत रसूल की मोहब्बत के बगैर मैं समझता हूँ कि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता और ये कैसे हो सकता है कि वो नबी करीम असलम के सहाब कराम सही वो जो दरवाजे से बाहर गुलामों की तरह हमेशा इंतजार में रहते वाँ हैं वाँ वाँ। उनका अमल इतना सामने हो तो जो हम वक्त हजूर असलातम की निगरानी में रहें और हजूर की परवरिश में वाँ रहें वाँ। और हजूर की तरबियत में रहें वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते तो मशहूर वाक़ मैं यहाँ पर वो हनैन करी मैन की सेहत के हवाला से रोजा रखा रमजान शरीफ है तो रोजा रखा अच्छा एक दिन इफ्तारी का वक्त हुआ तो दरवाजे के ऊपर दस्तक दी तो पूछा कि कौन है तो जवाब मिला जी यतीम हूँ और गुजारा के लिए कुछ भी खाने पीने को नहीं है तो मेहरबानी फरमाए कुछ दे तो हजरत अलीज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि सारा सामान उठाओ जो अच्छा। अपनी इफ्तारी के लिए रखा है वो दे दो ये नहीं कि आदत हूँ अच्छा सारा दे दो हम पानी वा, से वा, रोजा खोल लेते वाह वा, वा अपने तरजीह देना सुबहान अब इस का अमली मुजाह रख लिया नजर अच्छा। थी तीन रोजे रखने की हु। दरोा फिर रख लिया सही इफ्तार का वक्त हुआ तो फिर दरवाजे पर दस्तक आ गई अब पूछा कि जनाब वो दरवाजे पर कौन है तो जी मस्किन है घर में खाने को कुछ नहीं फरमाया जो कुछ है वो दे दो वाह अब सारा घर वाले पानी से इफ़ार करते हैं आने वाले को दे दिया साहिल को तीसरा दिन हुआ फिर दस्तक हुई दरवाज़े पर कौन है ये कैदी हूँ अच्छा मेहरबानी फरमाए तीसरे दिन फिर वो सारी चीज़ें उठाई और उस कैदी को दे दी अल्लाह ये अल्ला। जज्बा एसार नबी करीम इसरातलम से सीख कर तरबियत लेकर ले यह नबी का घराना है और फिर देखें कि एसार की तरबियत कैसी है अच्छा औलाद की तरबियत कि हज़रत सदा कायनात सलाम हसनैन की अम्मा जान सुबह आप बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं कि काम काज करने के लिए मुझे एक कनीज अता फरमा दें अच्छा। जो मेरे घर के काम काज में हसनैन छोटे हैं तो कुछ हाथ बटा दे तो जवाब में आका रहमत सलात वसलाम अपनी उस लाडली बेटी को जिसके बारे में फरमाते हैं कि ये मेरे जिसम का टुकड़ा है जिसम का हिस्सा है ये जनती औरतों की सरदार है। है। सरदार है, है। 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 तो हैं, इनके इनके बेटे जवानों के जो हैं, वो जन्नत की टिकटें बांटने वाले हैं, चीज ना दू जो इस लौंडी से भी बेहतर हो अल्लाह इस कनीज से भी बेहतर होर फरमाइए कि हर नमाज के बाद तेतीस मरतबा सुबह तैंतीस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, चौंतीस मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो ये उस कनीज से भी बेहतर है अल्लाह अल्ला, अल्ला। अल्ला। ये तरबियत है भाँ, भाँ, भाँ। उनकी जो आका क़रीम करीमलाम तो फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी आज मैं कनीज दे दूंगा तो कल मेरी उम्मत में वो ख़वान जो घरेलू काम काज करेंगी और उनके पास कनीज़ रखने के लिए कोई ऐसे वसायल नहीं होंगे तो फिर उनके लिए हमारा उस वसना क्या है तो उनके सामने रसूल्ला की ला बेटी ला ला का ये अमल हो कि रसूल्ला की बेटी जो है वो कनीज़ के बग़ैर वो अल्लाह तला को राज़ी करके उसके इस्मा इस का जिक्र करके विध करके उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी उनको सुबह सुबह बोज़ नाजरीन आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तु हमारे ज़ी मोहतम मेहमान गिरामी जनाब साहबजाद मोहम्मद कासिम साहब सयालवी आपकी समात फरमार हैं और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जज्बाई सारो कुर्बानी पर आपने हज़रा साहबा कराम और अहल बैत रसूल के जिक्र से हमारी समातों को और हमारे दिलों को उनकी मोहब्बतों से मामूर और भरपूर किया इनकी इस गुफ्तु से मैं दो जमले आपकी नज़र करना चाहूँगा पहला तो ये कि हज़रा हसन करीमैन का बीमार होना और फिर सैदतमीन और मौला कायन का उनकी शिफा के लिए अल्लाह के दरबार में मुलतजी होना कि हम रोज़े रखें यानी कि हकीकी शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है तो यानी अगर कोई बला कोई वबा कोई बीमारी आ जाए तो अपने रब की हजूर झुकना चाहिए और दुआ करनी चाहिए और दूसरा जुमला जो है क्या खूबसूरत अंदाज़ में जनाब इज ने जब इन हज़रा नफूस कुसिया के सामने ये अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की रज़ा से आया हूँ तो यतीम बन कर आए असीर बन कर आए हैं जी मिस्कीन और मस्कीन बन, बन कर आए तो ये तरीक हमें बताता है ये तालीम हमें दे रहा है ये वाक़ कि क्या में क्यामत तक अगर कोई यतीम है कोई मस्किन है कोई असीर है अगर किसी दर पर उसकी बात नहीं बनती तो कायन को दर अहले दिखा दिया और बता दिया कि ये वो दर है कि जहाँ पर तुम्हें रद्द नहीं किया जाएगा तुम्हारी तलब से सी बात आकी जाएगा वाँ तो माज नाजरीन मिलते हैं मुख्तर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जज्बा इसबानी पर हमारी गुफ्तु जारी है वोज़ नाजरन एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं ब्रेक से कबल गुफ्तू हो रही थी जज्बा इशार वुरर्बानी पर इशारर्बानी के हवाला से कुरआन हमें क्या हुक्म देता है और नबी अलैहि वसम की सीरत किरदार हमारी किस तरह रहनुमाई करती है और फिर हज़रत साहब कराम का जज्बा इशार वुरर्बानी और अहलिबात रसूल का जज्बा इशार वर्बानी पर हमने गुफगू की और मैं चाहूँगा कि महाजरीन की जिस अंदाज में मदीना शरीफ और फिर अहले अनसार की किस अंदाज़ में कुर्बानी की वो खूबसूरत जो है वो हमें कैफियत देखने को मिल रही है यह क्या में क्या मतलब किस तरह रहनुमाई कर रही है हमारी खबर भाई क्या याद करवा दिया कि वो लोग जो अपने हंसते बसते घर छोड़ कर जी मदीना मनवरा में आए और आने का मकसद बिजनेस नहीं है जी आने का मकसद दीन की सरबुलंदी है वाह और दीन की सरबुलंदी के लिए ये लोग आए हैं सुबह और नबी करीम सलाम ने एक महाजिर को एक इंसार का भाई भाई बना दिया अच्छा अच्छा अब वो भाई बनाने के बाद क्या वो ऐसे ही भाई थे जैसे आज हम बना लेते हैं ये फर्जी फर्जी के भाई के जब सामने आया तो भाई, भाई है जी ये नहीं था बल्कि आपको हैरानगी होगी कि जब ये मुआत मदीना कायम हुई उसके बाद एक अरसे तक ये बात उनके ऊपर लागू रही थी अच्छा कि सगा भाई जो है वो तुम्हारी विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा अच्छा लेकिन मुआका भाई उसमें हिस्सेदार होगा वाह 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 वा। और ये हुक्म उतनी देर तक रहा जब तक महाजरीन जो हैं वो अपने कदमों पर खड़े नहीं हो गए वाह 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 वा। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एक से अभी जो अंसारी हैं सारे मदीना में से है वो अपने मुहाजर भाई को जो सब कुछ छोड़ आए ठीक है उनसे कह रहे हैं कि मेरी दो बीविया हैं अल्लाह अकबर आप जिस एक को पसंद करें मैं उसे तलाक देता हूँ आप उसे निकाह कर लें अल्लाह अल्लाह क्या बात है जनाब वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं भाई, भाई आप रखें अल्लाह तबारक व ताल मेहरबानी फरमाएगा मैं फिर दोबारा शादी कर लूंगा असल चीज़ है यहाँ पर हमारा स्टेबल होना वाह 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 नबी करीम सलाम ने फ़रमाया कि अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो सुबह अब पसंदीदा चीज़ में कुछ भी हो सकता है तो एक सियाविय रसूल जिनका बाग मासे नबी के करीब था अच्छा और वो इतना अच्छा था इतना घना था उसमें कुआं भी था और हजूर सलातम तशरीफ फरमा होते और उस कुएं के मुंडेर पर बैठ जाते और गुफ्तगु फरमाते अच्छा जब हजूर की जुबान से ये लफ्ज़ सुना तो फौरन नबी करीमलात वसलाम के बारगाह में अजगी और भी मेरे बाग हैं लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद है आपने फरमाया कि अपनी पसंद की चीज़ अल्लाह की राम में दे दो में करते हुए यह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कर अब आका करीम आप माशरे को स्टैंड करने के लिए तशीफ लाए ठीक है आपने फरमाया तुम नारा जज्बा कबूल हो गया मेरा हुक्म यह है कि ये बाग अपने गरीब रिश्तेदारों में बांट दो सबसे पहला हक हमारे का, हमारी हमदर्दी का हमारी कुर्बानी का हमारे का, का, हमारी तवज्जो जो पहला हक है, वो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। हमारे अपने रिश्तेदार हमारे बहन भाई हमारे दीगर वो भूखे रहे और हम पूरे इलाके के अंदर या दूसरे मुल्कों में जाकर हम अपने दस्तर खान तो ऐसा नहीं है सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार हैं उसके बाद आपके आसपास वाले आपके पड़ोस वाले लोग हैं तो उनके साथ आपने यह सार करना है अब देखिए कि नबी करीम करीमलातम की बारगाह में एक ख़ातून हाज़िर हुई अच्छा और उन्होंने एक चादर पेश की अच्छा और अज की यारसोल्ला ये मैंने बड़ी मेहनत से खुद बनाई है ठीक है चादर बुनी है इसको सारी सही। तो आप ये कबूल फ़रमाएं हजूब वसलाम को उसकी ज़रूरत थी ठीक है आपने वो फ़ौर पसंद की आपने ले ली अब उस चादर आपने बाँधी पहले दिन ही आपकी आमद हुई सयाबा कराम ने देखा तो एक सयाबी ने अर्ज कर दी यार ये चादर कितनी अच्छी है, मुझे दे दे। अब अच्छा। रवायत करने वाले हैं कि हुण। अच्छा। हुण। खुण को खुद थी अच्छा। हम महसूस करते थे गुलाम हालांकि तो क्या आका करीम रही ने फरमाया रुको मैं अभी देता हूँ तब्दील की खुद पुरानी उस सयाबी को दे दी अब वो लेकर जाने लगे तो जो सयाबा उस मजलिस में बैठे थे उन्होंने नाराजगी का इजहार थोड़ा सा किया कि यार तुमने क्या किया ये तो हजूर की खुद जरूरत की चीज थी और तुमने इसे तलब कर लिया अब वो आगे से कहने लगे कि क्या आपको पता है कि मैंने ये चादर बांधने के लिए है, अच्छा मैंने ये बांधने के लिए नहीं ली बल्कि मैंने अपना कफन बनाने के लिए लिया है तो सियाबी का इंतकाल हुआ तो उसी चादर के अंदर उनको कफन दिया गया चीज जो है वो दूसरों को दे देना का उमतों के हवाला से कि एक बंदे का हिसाब हुआ तो उसकी नेकियों में और कुछ भी नहीं था अच्छा। सिवाय इसके के से उसने पैसे लेने तू ऐसा क्यों मैं इसलिए करता था अच्छा। कि उसके, तो तो उसके साथ मेरी हमदर्दी हो जाए वो देने के लायक नहीं होता था मैं नरमी कर देता था तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो सबसे बड़ा हक मेरा है वाह वाह तो आज मैं भी इसके तुम्हें बता दू कि तुम्हारी सारी जो है मामला जो है छोड़कर तेरी की वजह से मतलब बड़ी बात है जनाब साहब कराम का तरीक भी हमारे सामने है हज़रा अहल बहत रसूल का अंदाज़ भी हमारे सामने है और फी जमाना अगर बात की जाए या माजी करीब की बात की जाए या बागीद की बात की जाए आज की तारीख की बात की जाए ये सिलसिला इसबानी रुका नहीं बेशक ये आज भी कायम है और बेशुमार मिसालें जो हैं वो हमें रोज़मर्रा मिलती हैं लेकिन हमारी उस अंदाज में नजर नहीं होती होती उसे देख सके ये बताइए कि हजरत सूफिया राम का जज्बा इशार कैसा और वो हमें क्या तालीम दे रहा है खावर भाई बेशुमार बेशुमाराकत हैं जी जिस भी सिलसिले की आप बात कर लें मैं चूँकि सियालशिव से मेरी नस्बत है और शरीफ में सैयद ख़ानदान जी हिंदुस्तान से हिजरत करके पार्टीशन के दौर में यहाँ पर पहुँचा शरीफ में मैं ये इसलिए आपसे खसूसियत के साथ ये सवाल कर रहा हूँ कि आज अगर दीन का हकीकी जो रूप है कोई रंग है वो हज़रा सूफिया के राम की वजूद से हमें मिल रहा है बेशक तो सूफ़ी जो है वो कुरान की रोशनी में फ़राम रसूल की इतबा में जिस अंदाज़ में अपने मुरीदीन की तरबियत फ़रमा रहे हैं और फिर खसूसियत के साथ कुरबानी के हवाले से जिस अंदाज में उनकी जवाब जो है हमारी रहनमाई फरमा रही हैं ज़रा इस हवाले से हमारे नाजरन को बताइएगा कि सूफ़िया करीम नबी पाक के तरीका पर हैं और किस अंदाज़ में इशार कुरबानी जी मैं वही अर्ज़ करूँ कि हजूर असलात असलाम के बताए का माल के मुताबिक अमल देखें जी कि वो सैद ख़ानदान सयाल शरीफ में आया जी हाजिर होकर अच्छा पीर साहब ने अपना घर उन्हें अता किया वाह 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 रहाइश के लिए अच्छा और वो सारी फैमिली रही और साथ में ये आपने फरमाया कि आपने घर में कोई चीज नहीं पकानी अच्छा तीन वक़्त का खाना हमारे घर से अच्छा पकेगा और हम खुद देने के लिए आएंगे सुबह जज्बा है वाँ अब हजरत दाता बख्श अली, अली वाह आप हजवेर के रहने वाले हैं अफगानिस्तान के वाह मिजार शरीफ आपका लाहौर में इससे बढ़कर एसार क्या हो सकता है क्या बात अपने रिश्तेदारों को अपने अजीजों को छोड़ना और छोड़कर कर तबलीग दीन के लिए आना और इतना गर्विदा कर लेना लोगों को वाँ वाँ कि जो जान के दुश्मन है वो भी आपको दाता कहते हैं अल्लाह ला अल्लाह क्या बात है हजूर ख्वाजा अजमेर का वो कहना क्या क्या तक के लिए एक मैं समझता हूँ कि सदाकत का मी नूर है गंज बख्शे वाह वाह अल्लाह कि हजूर दाता गरीब नवाज़ की विशाल के एक अरसा के बाद है। जी जी हैं हज़ुर ख्वाजा पाक हाज़िर होते हैं और कह रहे हैं गंज बख्शे जो उस दौर में भी गंज बख्श रहे हैं वो आज भी गंज बख्श रहे और क्या में क्या मत तक उनकी बख्शिशों का सिलसिला जारी हो सारी है तो हज़रत सूफी कराम की तालीमात जो है वो हमारे लिए आज के इस दौर में अगर कोई अमली तौर पर देखना चाहिए कि इशारो क़ुरबानी का पैकर कौन है तो ये हज़रा सूफिया कराम के साथ हैं कि जिनका हर अमल जो है वह अखलास पर है और लाहीत और रसूल करीम सल्हसम के तरीक़ा पर है और हज़रात सूफिया कराम की जो तलीमत हैं आज हमें ये दर्श दे रही हैं आज हमें ये तालीम दे रही हैं और इन हज़रात सूफिया कराम के तरीक पर चलते हुए हम अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं अपने नबी की इतबा और अहलवैत रसूल और साहब रसूल की तलीमत को अपने वजूद का जीवर बना सकते हैं आज के इस दौर में हर इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल अब तीन किस्म का माल है जो इंसान का है यानी कि जो उसने खा लिया और ज़ाया हो गया दूसरा माल जो उसने पहन लिया और पुराना हो गया और तीसरा माल वो जो उसने आगे भेजा तो बाकी जो है वो उसकी औलाद का है जो बच गया जो बच गया उसकी औलाद का है लेकिन कुरान करीम हमें बता रहा है कि जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करता है वाह वो उस बारगाह में बड़ा मकबूल है हज़रत मुझे ये बताइए कि जिन हज़रा ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल से मखलू के खुताब पर शर्फ़ किया अब ये देखिए कि बंदा बंदे पर अपना माल खर्च कर रहा है लेकिन उसका अजर अल्लाह ताला अता फरमा रहा है और कर्ज़ हसना का भी इस पर जिक्र है कि अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं है लेकिन बंदे का बंदे पर ख़र्च करना अल्लाह इसे एहसान भी फरमा रहा है और इस पर अजर भी अता फ़रमा रहा है तो ये इशारो क़ुरबानी का एक खूबसूरत अंदाज़ है कि जो हमें कुरान बता रहा है जो रसूल करीम सली वसलम की तालीमत हमें बता रही हैं अच्छा हजरत मैं करीम इब्ने करीम का कर जिक्र करना चाहूँगा हज़रा हसनैन करीम का जिक्र करना चाहूँगा मेरा यह ख्याल है कि इस घराना की फैज़ बख्शी का आलम पूरा आलम जानता है कि जो इस दर पर आया बस खाली नहीं गया उसे खाली लौटाया नहीं गया इससे कबल मैं हज़रत हसन करीम इबन अबन करीम का जिक्र करूँ अपने नाजरन से चाहूँगा एक मुख्तसर ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है इस यकीन के साथ आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे मुजद साहबजादा मोहम्मद कासिम वकार सेलवी साहब से इस हवाले से हमारी गुफ्तु का सिलसिला जारी रहेगा जर नाजरिन एक बार फिर आपको खुश आहमद कहते हैं जज्बा इशारो कर्बानी के हवाले से इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है और कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रा साहबा कराम और अहल बैत रसूल और सूफी कराम की तालीमत के हवाले से जिक्र होगा अब चूँकि दावन वक्त में इतनी गुंजाइश बाहर तौर हमें मलहूज़ रखना पड़ती है और आज के इस खूबसूरत अफ्ता ट्रांसमिशन का वक्त भी क़रीब करीब है मैं चाहूँगा कि आज के इस अफताब ट्रांसमिशन के वो मकामी कमाल तक पहुँचने से पहले हमारे नाजरन को हज़रत बताएँ कि ये जज्बा इशारो क़ुरबानी जो है वो हमें क्या पैगाम देता है खबर भाई इसका पैगाम बहुत वसी है इसको जिस जिस अंदाज़ से भी आप देखें एक कबीला अशार जी जो जहाँ जिनसे मशहूर सियाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशरी अच्छर ते तो आका करीमलात उ ने फरमाया कि मुझे अशर कबीला अच्छा लगता है मैं इस कबीले से हूँ ये कबीला मुझसे ने की उसकी क्या आप बेहतर समझते हैं तो हमें भी कुछ फरमाइए किस वजह तो से आका करीम तो ने फरमाया कि ये कबीला मुझे अच्छा इस वजह से लगता है कि जब इनके पास कहत फट जाता है या कोई चीज़ कम हो जाती है वो अमन हो या जंग हो तो ये कबीला क्या करता है की हर एक बंदा अपने घर में जो चीज़ दस्तियाब हो वो ले आता है और एक जगह पर जमा कर देते हैं अच्छा और जमा करने के बाद वो पूरे कबीले में बराबर तकसीम कर देता दे अब किसी घर से दस किलो आ रहा है या किसी घर से पाव आ रहा है तो हर एक का हिस्सा शामिल हो गया और उसे तकसीम कर दिया पैगाम मैं ये देना चाहूंगा कि अभी कल से इतिकाफ के बैठना है उस हाले से मैं अपना पैगाम जो देना चाहूँगा वो ये है कि हर घर में उनके दस्तियाब वसाइल के मुताबिक शहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम होता है क्योंकि इस एक्सपीरियंस से मैं गुजराऊ इसलिए मैं चाहता हूँ अब अच्छा। आ, एक आदमी के घर से दो किस्म के खाने आ गए अच्छा। साथ में मशरूबात आ गए साथ में दीगर चीजें आ गई लेकिन एक वो मुतवसत है कि जिसके घर से सिर्फ रोटी आई है के साथ, हुँ। हुँ। अब एतकाफ़ में बैठे हुए हैं तो वहां पर किसी को ये एहसास ना होने दें क्या ही अच्छा हो कि हम एक दस्तर खान लगाएं हर एक बंदा उसके ऊपर खाना रखे और जो हजूर का सुन्नत तरीक़ा है उसके मुताबिक अमल करें और सुन्नत तरीक़ा क्या है कि दस्तर खान के ऊपर जो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है आपको चाहिए उसमें से हसब ज़रूरत लें और अपनी दाई तरफ वाले आदमी को वो आगे भेज दें अच्छा 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 सुबह सुबह वो अपना लेना है तो ले, नहीं तो वो अपने एक बंदा उसे ले ले हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आ, स्वीट है तो वो मेरे लिए आई तो मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं, नहीं 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 मैंने ही खाना वापस नहीं भेजना अच्छा मुझे नहीं जरूरत मैं पकड़ू मेरे जो आगे बैठा हो सद उसको जरूरत हो सही तो हम उसको दे दें अगर एक एक चम्मच भी लेते हैं स्याबा कराम वो बदर के मैदान में गए तो वाँ इफ्तारी के लिए कुछ नहीं था तो खजूर एक थी और खा भी नहीं सकते थे अच्छा तो चूसी है इफ्तारी की और साथ वाले को दे दिए अल्लाह उन्होंने चूसी है तो साथ वाले को दे दिए यहाँ तक के चूस चूस के उसकी गुठली बच जाती है अच्छा तो इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता क्या बात हमारे है। पास तो नियमतें सजी हुई हैं तो हमने है। ये मैसेज है मेरा पैगाम है कि जज्बा इसार जो है वो हमें दस्तर खान के ऊपर भी दिखाना चाहिए वाँ वाँ। वो जब कोई चीज़ तकसीम हो रही हो हमें तब भी करना चाहिए कि जब एक एक बंदे को कोई चीज़ मिल रही है तो हमारा दो लेने का हक़ नहीं बनता हम एसार करें दूसरे के लिए उसको छोड़ दें बड़ी खूबसूरत बात की साहबजादा मोहम्मद कासिम वकार सियालवी साहब ने कि दस्तरखान पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसार से काम लें और सहरों अवतार में अहतकाफ़ पर जो है वो दस्तरखान जब सजे तो तमाम जो है वो नेमतें यकजा हो एक ही जगह हो और तमाम मुसलमान भाई जो हैं उससे इस्तफा कर सकें तो मैं इस पैगाम को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ सहरों अवतार में हमारे दस्तरखान पर भीशुमार नमतें होती हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हर दस्तरखान और दस्तरखान पर नमतों को कायम कायम रखें जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि कितका में दस्तरखान पर तमाम मुसलमान रोज़ादार भाई जो है वो इस्ता करें तमाम नमतों से वहाँ मैं अपने नाजरें से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान में अपने हमसायों को देखें ऐसे अहबाब आपको मिलेंगे जिनको ज़रूरत है आप अपने दस्तरखान की नेमतों में से एक नेमत को अगर कम कर दें और अपने उस मुसलमान भाई के लिए पेश कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये हकीकी मानो भी सारो कुर्बानी। के हवाले से ख़ूबसूरत अंदाज़ है जो नबी पाक अलैहि वसम के तरीक़ा पर है अल्लाह करीम हमें अपने हमसायों अपने रिश्ता का इस हवाले से जो है वो ख़्याल रखने की तोहफ़ी कथा फरमाए वक्त अवतार करीब है दुआओं की कबूलियत का वक्त है हज़रत की खिदत में दुआ के लिए गुज़ारिश करूँगा का लेकिन नए उनवान के साथ आपकी खिदत में हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान खाबर अजीम क़ादरी को असल वरम् वज़रतर मुबारिक वाली रबातिनासनत आखिरतना वली वालिया मौल ने तेरे लिए रोज़ा रखा तेरे दी हुई नियमतों से इफ़ार करते हैं इस रोज़े को इस अफार को हमारे लिए ज़रिया बख्शिश और निजात अताब फरमा ए पाक परवरदिगार तेरी पाक बारगा में हम दुआ करते हैं कि मेरे वतन को अमन और सुकून अताब फरमा तेरी पाक बारगा में हम दुआ करते हैं कि जो काविश ये चैनल कर रहा है इसमें मजीद बरकतें तरक्या अताब फरमा जो तेरी रज़ा के लिए गरीबों की देखभाल करते हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं

turner झ झुक झुक कर, जुक कर, कर सलामी। शजर दे हजर अजल जो अकबर बोलती हैं हजर अल अकबर

बोलते हैं इसे बुझ जाती है नाजिश अजल की प्यार